हाय दोस्तों, मैं हूं रंजन पत्र। मैं आपको आज दिखाऊंगा वो मेरे पास आगे आया है नोकिया 108 के एक मॉडल का फ़ोन आया है। और उसका प्रॉब्लम है कि आप खुद ही देख लीजिए उसकी प्रॉब्लम क्या है। देखिए, यह है नोकिया 108 के मॉडल है। तो दोस्तों देखिए, यहां पर फ़ोन ऑन हो रहा है और उसके बाद ये देखिए उसकी हैंड्स फ्री सिंबल आ रहा है। देखिए दोस्तों, उसकी हैंड्स फ्री सिंबल आ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने उसको लॉक कर रिमूव कर दिया, तो ये है उसकी हैंड्स फ्री। तो उसको हम रिमूव करेंगे कैसे, ये है नोकिया 108 की मॉडल है। तो प्लीज़ दोस्तों, मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो सिंबल आ रहा है, तो पहले मोबाइल को ऑफ कर देना चाहिए। मोबाइल ऑफ हो गया और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हमको बैटरी को रिमूव कर देना चाहिए और उसका जो भी सिम कार्ड था उसको भी रिमूव कर देना चाहिए। और उसके बाद 1 2 3 4 उसका जो स्क्रू था उसको भी मैंने निकल दिया। ये देखिए, उसको निकल दिया। और निकलने के बाद यहाँ पे हमको उसकी जो कैबिनेट है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव करने के बाद देखिए दोस्तों, रिमूव करने के बाद ये देखिए, ये है उसकी जैक और ये जैक सही है, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है क्या है कि यह उसकी पॉइंट जो कि 1 2 3 4 5 6 के पॉइंट है, ये भी शॉर्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो बड़ा वाला एक कैपेसिटर है, देखिए ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है उसको हम रिमूव कर देते हैं। उसको हम रिमूव कर देते हैं। देखिए, ये जो बड़ा वाला ये जो कैपेसिटर था इस तरह, देखिए ये जो कैपेसिटर था मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब उसको हम देखेंगे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। फिर से हमको बैटरी ये थोड़ा लूज कॉन्टैक्ट है, कोई बात नहीं, तो हम ऑन करते हैं। ऑन हो गया, ये भी आ गया नोकिया। और यहाँ पे देखिए उसका सिंबल रिमूव हो गया, ठीक है दोस्तों। वो जो कैपेसिटर था उसको हम रिमूव करने के बाद उसका सलूशन हो गया। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए।